हेलो गाइस, मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ टाटा 8x8 का किलोमीटर और इंजन आरपीएम कैसे काम करता है या कितना कहाँ पे होता है उसका लोकेशन बताने जा रहा हूँ। ये है किलोमीटर, किलोमीटर का चला है 07355, ठीक है, इतना किलोमीटर चला है। जैसा केवल कहाँ से जाता है या कैसे चेंज करते हैं उसके बारे में मैं बताऊँगा आपको, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है आरपीएम, इंजन कितना रन किया है वो बताएगा। इसमें 506 घंटा, ये 506 घंटा है, ये मिनट वाली है, ये 506 घंटा चला है। ये इसका केवल कहाँ है और किलोमीटर का केवल कहाँ लगता है, बहुत बंदे ने कमेंट किया था कि कौन से केवल कहाँ कहाँ लगता है और कैसे चेंज करते हैं उसके बारे में बताइए, तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और ये है एयर प्रेशर का गैस, एयर प्रेशर का गैस है, ठीक है। ये टेम्परेचर गैज है, ये ऑयल ऑयल कितना लुब्रिकेशन जा रहा है या ऑयल है या नहीं है वो ये बताएगा ऑयल गैज में, ठीक है। ये बैटरी का चार्जर का है, बैटरी चार्ज हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक भाई। किलोमीटर केवल का ना ये फ्रंट एक्सल है, देखो भाई ये फ्रंट एक्सल है, फ्रंट एक्सल के फर्स्ट में ये है जो किलोमीटर है, किलोमीटर का केवल है ये किलोमीटर केवल का यहीं से चेंज होगा। इसको निकाल के दूसरा डाल सकते हैं हम, टूटने टूटने 1 किलोमीटर काम नहीं करता है तो इसको चेंज कर देंगे यहाँ से जो खोल के, और वहाँ से हेड से खोल देंगे किलोमीटर का, ये चेंज कर सकते हैं। बहुत बंदे को पता नहीं होता है कि कहाँ से कौन सा वायर कहाँ पे जा रहा है, इसलिए बता रहा हूँ। और ये किलोमीटर का कर दिया, अब आपको मैं बताता हूँ ये इंजन आरपीएम का बताऊंगा आपको, इंजन आरपीएम का बताता हूँ, इंजन आरपीएम केवल कहाँ पे लगाता है उसके बारे में। ये रेड वाला दिखाई दे रहा है, ये टूटने या जलने की वजह से ये रेड टप्पी ये बना हुआ है, ये है वायर, ये यहाँ अल्टरनेटर, ये अल्टरनेटर है, अल्टरनेटर के जस्ट पीछे कंप्रेसर, ये कंप्रेसर है, कंप्रेसर के भी जस्ट पीछे अल्टरनेटर का ये है वायर। ये आरपीएम का ये वायर है, ठीक है, कितना घंटा का इंजन रन किया है तो ये उससे पता चलेगा, इस वायर से पता चलता है कितना घंटा इंजन रन किया है, इसको उसको बोलते हैं आरपीएम मीटर। ओके गाइस, आपकी गाड़ी में तो बंदे को पता चलता ही है जो है सो। अभी एक कंप्रेसर है।